हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग न्यू कैरेक्टर बनाना सीखेंगे। तो आपने अगर ये कैरेक्टर को पूरी तरह से बना लिया है तो आप चाहे तो दोबारा से इसको बना सकते हैं, पर वो ज़्यादा लॉन्ग हमारा टाइम टेकिंग है। तो अभी क्या करेंगे, इसी कैरेक्टर का डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर में, जैसे यहाँ पर एक कलेक्शन है फनी कैरेक्टर, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ तो सिर्फ इसका जो हेड है वही सिर्फ यहाँ से हाइड होता है, तो मेरे को सबको हाइड करना है। तो यह जो बोन है, मैं यहाँ पे मैटरिंग पे ऑन करता हूँ तो इसका बोन आ जाएगा। ओके, तो ये तो पूरा हाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें नौ के करीब बोन है इसके पास। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, और जब यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ और ये फनी में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी हाइड कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें हैं, क्यों कि देखिए जो आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये पेंट दिख रहा है, ये हाईलाइट, ये सब बाहर है इसके कलेक्शन के अंदर। जब हम इसके अंदर डालेंगे इसको तभी ये एक कलेक्शन में आ पाएगा। जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, इस पर लेफ्ट क्लिक करें तो पेंट सिलेक्ट हो रहा है, टी शर्ट पर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको ऐसे माउस को ड्रैग कीजिए तो ये रेड दिखने लग जाए, और यहाँ पर जब ये ब्लैक आने लग जाए तो इसके अंदर आप इसको छोड़ दीजिए तो ये इसके अंदर चल जाएगा। उसी प्रकार से पेंट पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए तो ऐसा रेड दिखेगा, जब यहाँ पे ब्लैक दिखने लग जाए तो यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिए तो चल जाएगा। फिर भी टी शर्ट को ऐसे करना है और फिर यहाँ पे ले जाके इसको मूव कर देना है। अगर मैं अब यहाँ पे हाइड करता हूँ तो पूरा ये हाइड हो जा रहा है। इसको नेम देते हैं कैरेक्टर वन। ठीक है, ये कैरेक्टर वन हो गया, और ये सब जो है इसको हम यहाँ पे देख देते हैं। यहाँ पे जाके न्यू कलेक्शन लीजिए, यहाँ पे न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो ये न्यू कलेक्शन इसका नेम देते हैं कॉपी ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जब लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ऐसे मूव करके इसके अंदर डाल दीजिए, और जब ये है एरो नीचे दिखा रहा है कि इसके अंदर ये सारा तीनों चीज़ें हैं। जब इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और इसको हम यहाँ से मूव करता हूँ, मतलब यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं अनहाइड। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा, अभी इसको ऑफ कीजिए, जब इसको ऑन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अभी इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। अब कैरेक्टर टू बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पे आप न्यू कलेक्शन लेंगे लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ न्यू कलेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर नेम देते हैं कैरेक्टर टू, एंटर प्रेस कीजिए, कैरेक्टर टू हो गया। अभी इसको कॉपी करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, ऐसे सब हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए लेफ्ट, और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से कर लीजिए। तो आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर क्या है, ये आ चुका है। तो अभी पता कैसे लगेगा, इसको हाइड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, कैरेक्टर टू है। ठीक है, और ये कैरेक्टर वन को मैं यहाँ से अनहाइड करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि दो कैरेक्टर आ गए हमारे सामने, पहला ये है दूसरा ये है। अब मैं चलिए पहले को हाइड करता हूँ, दूसरे को हाइड करता हूँ, तो इस तरह का आपको नज़र आने वाला है। अभी हमारे पास दो कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर तो हमारा ये हो गया और दूसरा कैरेक्टर ये हो गया, पर दोनों कैरेक्टर एक जैसा दिख रहा है, तो वो तो आप वो भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आर्मी मैन होता है तो उसका ड्रेसअप, हर एक स्टाइल सब कुछ सेम होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है, तो वो तो आप बना लेंगे। अब मान के चलिए ऐसा कॉपी करके, जब भी आपको करना है तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से आपको करना है। अभी मान के चलिए इसके अंदर मेरे को चेंज लाना है, ये कुछ दूसरा व्यक्ति बनना चाहिए। कैरेक्टर वन को यहाँ से मैं हाइड करता हूँ, कैरेक्टर टू पे वर्क करता हूँ। कैरेक्टर टू पे क्या वर्क करना है, इसका थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करना है मेरे को। मैं यहाँ पे जाता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो एडिट मोड में आ गया हूँ मैं। अभी हम इसके अंदर चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। चेंज क्या करना है वो देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसका हेयर स्टाइल ऐसा है। आप नहीं चाहते कि इसका हेयर स्टाइल ऐसा हो, कुछ और डिज़ाइन इसको दें, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको नीचे ऐसे मूव कर सकते हैं,
जेड एक्सिस में मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ऐसे यहाँ पे मूव करता हूँ, और इसको मैं ऐसे यहाँ पे मूव करता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी नया हेयर स्टाइल कुछ भी बना सकते हैं। तो एक न्यू मैं शेप दे देता हूँ, आपके पास जो अच्छा लगे आप डाउनलोड करके उसको बना सकते थे। हम ज़्यादा अभी वर्क नहीं कर रहे, नॉर्मल सा यहाँ पे कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कुछ हेयर स्टाइल इसको दे देते हैं, मान चलिए कुछ इसका ऐसा हेयर स्टाइल है, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं अगर डिलीट वर्टेक्स कर दूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और मैं 7 प्रेस करके देखता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता हूँ, Ctrl-3 प्रेस कीजिए तो उल्टे साइड में इसके आ जाएंगे आप, और इसको थोड़ा ऐसे मूव कर लीजिए। तो जस्ट अभी हम थोड़ा एक हेयर स्टाइल दे रहे हैं इसको, और इसको थोड़ा इधर मूव कर दीजिए, इसको थोड़ा इधर मूव कर दीजिए, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं, और इसको थोड़ा और इधर मूव कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर नहीं हो रहा था, Ctrl-R प्रेस एक लूप कट और लगा दीजिए यहाँ पे, ये लग जाएगा तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए काम। इसको थोड़ा हम इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, टैब प्रेस करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल इसने बना लिया है। इसको और भी आप नीचे कर सकते हैं, इसको एक साथ सेलेक्ट करके भी आप ऐसे नीचे कर सकते हैं। मान चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा ये वाला हेयर स्टाइल ये करता है, और ये वाला जो बाल होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए एक साथ, शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो हर एक एंगल से इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा था, Ctrl-3 प्रेस कीजिए तो इसके इस साइड में आप आ जाएंगे, और इसको हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक तरह का हेयर स्टाइल बन चुका है। आप इधर से भी इसको अच्छा शेप दे सकते हैं, इस सब को सिलेक्ट कीजिए, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ कीजिए, ठीक है, आईब्रो ऐसा तो इसको सिलेक्ट कीजिए, आर प्रेस करके ऐसे थोड़ा रोटेट कर सकते हैं, और फिर इसको सेलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आएंगे, और इसको इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कैसे करने का है। तो ये सब चीज़ थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, आप आराम से पेशेंस रख के धैर्य से इसको कीजिएगा। तो ये इस तरह का मान चलिए ऐसा कुछ हेयर स्टाइल इसने बना लिया है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, इसको 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 सेलेक्ट करके ऐप प्रेस कीजिए तो ये फील हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये हेयर स्टाइल हमने इसका बना लिया है। अब मान चलिए इसका अब क्लोथ को हमको थोड़ा चेंज करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था, मटेरियल में जाइए, और यहाँ पे जाके मैंने ऑलरेडी क्लोथ रखे थे तो मैं यहाँ पे इसको ये टी शर्ट दे देता हूँ, और पैंट का कलर है, मैं नहीं चाहता कि इसका पैंट का कलर हो तो मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, और पैंट के कलर को हटा देता हूँ, और मैं इसको वाइट रखता हूँ, या मैं इसको कुछ और ही कलर देता हूँ। यहाँ पे न्यू कलेक्शन लिए, यहाँ पे नेम दे दिए पैंट, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको पूरा कलर है, जो मन है वो कलर आप इसको दे सकते हैं। मान चलिए मैं इसको ये कलर दे देता हूँ थोड़ा इस तरह का, और इस पे स्पेकुलर को यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, या स्पेकुलर को आप यहाँ से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा, या यही ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। तो ये एक तरह का न्यू पर्सन तैयार हो चुका है। तो आपने देखा एक कैरेक्टर से हम दूसरा कैरेक्टर तैयार कर लिए। अब मैं दोनों को ऑन करता हूँ,
इसका हेयर स्टाइल भी अलग है, क्लोथ भी अलग है, इसका भी हेयर स्टाइल अलग है, क्लोथ अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। अब मान चलिए इसका कलर भी आप थोड़ा चाहते कि चेंज कर दूँ मैं, फेस का गोरा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा वही टोन रखता हूँ और मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया। वो गोरा व्यक्ति है, ये काला है, तो इस तरह का मैं इसको रखता हूँ। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा काला कर देता हूँ तो थोड़ा डिफरेंस देखिए, ये इस तरह का है और ये इस तरह का दिख रहा है। तो ये आप दोनों कलर भी ले सकते हैं। आप मान के चाहते हैं कि हमको ओरिजिनल वही कलर चाहिए तो वही करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके और इस फेस कलर को सिलेक्ट करना होगा। तो वापस चल जाएगा, इस बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, इस बॉडी को सिलेक्ट कीजिए और वापस जो ये फेस कलर है इस पर सिलेक्ट कीजिए, तो वापस इसी कलर पे आप आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कलर में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा किस प्रकार से बॉडी का, एक बॉडी आपने बना लिया एक कैरेक्टर, तो आप दूसरा कैरेक्टर ईजी वे में बना सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये दो कैरेक्टर हमारा हो गया। अब हम इस दो कैरेक्टर पर एनिमेशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए, अगर इसको बनाने में या ऐसा करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमको ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।